नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चार्टर्ड एंड ट्रेड से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो होता है वीकली आउटलुक पे होता है। वीकली सिर्फ इंडेक्स के आउटलुक होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरे को क्या लग रहा है, टेक्निकल चार्ट्स पे, मेरे स्ट्रेटजीज पे और मेरे आउटलुक्स पे क्या क्या लग रहा है, तो हम लोग उसी पे बात करते हैं इस पे। तो दोस्तों, लास्ट वीक का जो वीक गया जबरदस्त गया, बहुत मजा आया इस वीक पे। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्रेक पॉइंट पे है, खास करके निफ्टी एंड 17,930 के नीचे वी वेर ईगर टू गो शॉर्ट इन निफ्टी, एंड हुआ भी वही 930 का। जैसे ही सपोर्ट जो निफ्टी में ब्रेक हुआ, 17,500 का टारगेट दिया था मैंने, 493 के करीब का निफ्टी ने लो बनाया। देखिए, हम लोगों का निफ्टी का मेक और ब्रेक पॉइंट था, मैंने 17,930 के नीचे दिया था कि 930 के नीचे जाता है बेच दीजिएगा, एंड 17,500 के करीब का टारगेट रखिएगा। तो आज देखिए 17,000 करीब 493 का लो है। तो निफ्टी में तो दोस्तों इस वीक आराम से करीब करीब 900 से 500, 420-430 पॉइंट तो निफ्टी में एकदम बन गया। तो ये वीक धमाकेदार रहा हमारे लिए निफ्टी में, जो कि एनालिसिस के हिसाब से गया, एंड आराम से पुट में आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे मैंने बोला था कि 42,000 का सपोर्ट जो तोड़ेगा तो फ्री फॉल होगा बैंक निफ्टी में। क्योंकि देखिए दोस्तों, थोड़ा सा भी आपको लेवल डिफरेंट दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एडजस्ट हुआ था, उस समय हम लोगों का फ्यूचर दूसरा था, ये दूसरा था। तो 42,000 के नीचे था, ये 41,942 का लेवल है, बट 42,000 के नीचे हम लोग बियरिस थे। और मैंने टारगेट दिया भी था कि पहला टारगेट 41,500, दूसरा टारगेट 40,980, और एस्केलेटेड सेल आएगा तो देन वी कैन गो टिल 40,000। तो आज का लो 40,420 है आज का, तो 42,000 से 40,420, अगर 40,980 पे भी हम लोग बाई करते हैं तो 1,100 पॉइंट के करीब का, 1,100 पॉइंट का हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी इस हफ्ते का मुनाफा है, जो कि जबरदस्त मुनाफा है। क्या न्यूज आया अदानी का, हिडनबर्ग का, जो भी आया हो, जैसा भी आया हो, बाजार ट्रिगर लेके फॉल हुआ, बट चार्ट पहले ही बता दिया था कि एक बड़ा फॉल आने वाला है, एंड वी एंजॉयड दैट फॉल। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने पैसे बनाए होंगे। तो झटपट झटपट दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए कि आप लोगों को इस वीक का ये एनालिसिस कैसा लगा था, और आप लोगों ने कितने प्रॉफिट्स बनाए, आप लोगों को प्रॉफिट आया कि नहीं आया, ये तो जरूर दोस्तों इस बार तो एक कमेंट आप लोगों का जरूर बनता है। आप लोग देखते हो कभी कमेंट नहीं डालते, बट इस बार एक कमेंट जरूर बनता है दोस्तों। तो प्लीज 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 कमेंट जरूर डालिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो को और कैसे बेहतर बना सकूं। अगर आप लोग इंट्रैक्शन पे रहोगे तो फिर क्या होगा कि इसके साथ में अदर इंडेक्सेस और भी बाकी चीजों को मैं जोड़ूंगा इस वीडियो को, और 5-10 मिनट हम लोग लंबा बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपकमिंग वीक के लिए हम लोगों का ट्रेड प्लान क्या रहेगा। तो निफ्टी फ्यूचर 17,687 पे बंद हुआ है। एमएससीडी में अभी भी बेयरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं निफ्टी फ्यूचर्स के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन्स क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट जोन्स को जब हम लोग प्ले करेंगे, तो अब देखिए ये एक डिसाइसिवली सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, दिस प्लेस जहां से ये अटका है, एंड मेरे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी इसी जोन पे है, 17,500 के करीब में, 500 के। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीक के लिए देखिए, वी आर इनटू एन ओवरसोल्ड टेरिटरी। अदानी का न्यूज आया, बाजार गिर गया, बट मेटल्स और आईटी में अभी भी बहुत बड़ा गिरावट नहीं आया है। अब मार्केट इस कहीं पे जोन पे सपोर्ट खोजेगा, एंड इट विल ट्राई टू फाइंड क्यूज फ्रॉम द बजट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में बाजार में मैं थोड़ा सा बुलिश प्ले करना चाहता हूँ, एंड मेरा बुलिश प्ले ही रहेगा बाजार में नेक्स्ट वीक के लिए। इसलिए नहीं कि बाजार बहुत गिर गया, बट मेरे को यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है ना, ये दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर डिप मिलता है 17,550, 580 के करीब मिलता है, गो लॉन्ग इन निफ्टी। 17,450 का स्टॉप लॉस देना है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। 490 का मेरा सपोर्ट आ रहा है, 490 का मैंने 40 पॉइंट का फिल्टर दिया है। 17,450 का स्टॉप लॉस में निफ्टी को बाई करना है। मैं रिवर्स में टारगेट रखूंगा निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन तक का, जो कि आएगा 17,846, और 846 के ऊपर चलेगा तो 17,990 तक का, बस ये टारगेट रखूंगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए गो लॉन्ग इन निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी फ्यूचर।
देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब ये कहाँ पे आके रुका, ये भी देखिए अपने वाइटल सपोर्ट जोन के पास, ये इसका एक वाइटल सपोर्ट जोन है, ठीक है, थोड़ा सा इसके अगल बगल में है, एंड दिस प्लेस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। तो अब हम लोग बैंक निफ्टी को मैं देखूंगा कि ये मेरे को कहाँ मिलता है। मेरा मेरा बाई रेंज जो होगा ना बैंक निफ्टी में, 40,300 से 40,000 के करीब का बाई रेंज होगा, एंड स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 39,770 के नीचे का, ये जोन के नीचे का। तो 40,300 से 40,000 तक लीजिए, मतलब 40,100 तक का एवरेज बिल्डअप करिए, एंड 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए 39,770 प्रिसाइसली, 330 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ से मैं बाउंस बैक में एक्सपेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी को वापस 30 जोन्स, एक्सपेक्टेशन फिर यहीं का रहेगा 41,568 टू 41,900। तो बैंक निफ्टी में मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि बैंक निफ्टी इन लोअर लेवल से बाउंस बैक देगा। तो दोस्तों इस ट्रेड प्लान को लिख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, नेक्स्ट वीक में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीक में अपने फिर मिलेंगे मार्केट के वीकली आउटलुक पे। तो दोस्तों साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीक, विकास बगड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक फिर।